दिशा में हम काम करके इन समस्याओं का समाधान कर सकें। पर्यटन के रूप में चित्तौड़गढ़ अपना बहुत नाम रखता है, देश और दुनिया में जाना जाता है, और यहाँ जो पर्यटक आता है वो 4 और 6 घंटे के लिए आता है। हम सब लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम इसको इस तरह का केंद्र विकसित करें कि रात को यहाँ पर्यटक रुके, ताकि होटल व्यवसाय में विकास हो, इसके साथ साथ फिर आपकी बहुत सारी चीज़ों में विकास होगा। आवारा पशुओं की जहाँ तक बात है, ये शहर उससे बहुत ग्रसित है। हम बहुत जल्दी गौशालाओं के साथ वार्ता करके नंदी गौशाला की जो सरकार की योजना है, मैं इस कोशिश में हूँ कि कोई नंदी गौशाला स्थापित हो जाए, ताकि उसमें सारे नंदी को भेज दिया जाए। छोटी सादड़ी में एक गौशाला है, उन सबको लेने को तैयार है। एक दो दिन में मैं टीम भेज रहा हूँ, ताकि इसका समस्या का हम समाधान कर सकें। औद्योगिक विकास के साथ साथ तो सारी समस्याएं आती है, जैसे प्रदूषण की समस्या है, तो आप लोगों ने बताई है, इसके बारे में हम निश्चित तौर से प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पेरा इस जिले में इन सब चीज़ों के साथ एक मकसद ये रहेगा कि सरकार की जितनी भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उन सब का भरपूर लाभ जिले की जनता को मिले, और जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उस तक हम पहुँच बनाएँ, वो हमारी फोकस में रहे, ताकि वो भी विकास की मुख्य धारा में जुट जाए। मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप लोगों के साथ मिलकर मैं इस जिले की बेहतर सेवा कर पाऊंगा अपने इस कार्यकाल में। धन्यवाद। जय हिंद।